होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड ने 9th या 10th जनवरी को टीज किया था कि एक बड़ी गाड़ी वो लेकर आ रहे हैं इंडियन मार्केट में। हमने ऑलरेडी HRV, WRV की वीडियोस आपके लिए बना दी है, लेकिन अब बारी आती है BRV, बिकॉज ये भी एक बहुत पोटेंशियल एक कैंडिडेट है इंडियन मार्केट में आने के लिए। बिकॉज इस टाइम पर एक SUV से ज़्यादा मुझे लगता है कि फैमिली जो 7-सीटर व्हीकल्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी अगर WRV का सेगमेंट देखें भर रखा है, बहुत सारी गाड़ियाँ उसमें। HRV का सेगमेंट देखें वो भी ऑलरेडी भर रखा है। हालांकि मैं चाहता हूँ उन दोनों में से भी कोई आ सकती है, लेकिन BRV भी आ सकती है। तो BRV के बारे में पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि कौन सी व्हीकल पहले आ रही है, कौन सी बाद में, और इस व्हीकल में खास क्या मिल जाता है। बिकॉज ये कम्पीट करती है द अर्टिगा के अकारंस, महिंद्रा मराजो तो नहीं है वैसे, वो थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती, बट XL6 जैसे व्हीकल्स के साथ इसका डायरेक्ट कंपटीशन होता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें होंडा BRV के बारे में सब कुछ जानने के लिए। शुरुआत करते हैं होंडा BRV के लुक से। तो सबसे पहले तो आपको ये लॉय व्हील्स जाने पहचाने लगने वाले हैं, बिकॉज ऑलरेडी WRV में कुछ इसी तरीके के आते हैं, लेकिन इनका जो साइज़ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन एनीवे शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन से। तो BRV में बेसिकली होंडा का वही टिपिकल डिज़ाइन आपको मिलेगा, बड़ी सारी ग्रिल विद एक्स्ट्रा क्रोम, और साथ में आपको LED हेडलैम्प सेटअप मिलेगा, जैसे कि होंडा सिटी, WRV, HRV में सिमिलर इसी तरीके का देखने को मिलता है विद LED DRLs ऑफ कोर्स। और उसके साथ साथ जो इंडिकेटर है वो आपको बल्ब फॉर्मेट में ही मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली। काश ये LED होता, लेकिन LED है इसके फॉग लैम्प्स, वो एक अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट आपको फॉग लैम्प्स जो हैं वो LED ऑफर किए जाते हैं। होंडा का बड़ा सारा लोगो आपको यहाँ सेंटर में ऑफकोर्स मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आपको एक डिज़ाइन मिल जाता है ओवरऑल एक बड़ी MPV का। चलिए BRV के इंजन के बारे में बात करें। 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड, 121 PS, 143 Nm टॉर्क, वही जानना पहचाना हमारा DOHC वाला इंजन, जो कि आपको होंडा सिटी, WRV और इवन जो HRV है उसमें मिलने वाला है। तो यही सेम इंजन एक बहुत ही रिलायबल पावर और एक ट्रस्टवर्दी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है आपको। और होंडा के इंजन तो जाने इसलिए जाते हैं ताकि इनको लाखों किलोमीटर चलाओ कुछ भी नहीं होता, और इनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी हर किसी को पता ही है कि नंबर्स में चाहे ज़रूर कम लगे लेकिन फन टू ड्राइव एलिमेंट मिल ही जाता है। सो दिस कम्स विद द CVT ट्रांसमिशन और ऑफकोर्स 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन तो आपको मिलेगी ही। अगर आपको चाहिए किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के आपको मिल जाते हैं स्पेयर पार्ट्स budmo.com से। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उनकी एंड्रॉइड और iOS एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, तो अभी चेकआउट करें। किसी भी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो Budmo वुड बी द राइट चॉइस फॉर यू। अब इस व्हीकल की ओवरऑल साइड प्रोफाइल, लेंथ तो आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, और व्हील बेस भी 2.7 मीटर्स का मिलेगा, विच इज़ अ रियली गुड नंबर, बिकॉज आपको अल्टीमेटली उसकी वजह से स्पेस बहुत अच्छी मिलने वाली है सेकेंड रो और थर्ड रो में भी, बिकॉज WRV इज़ अ 7-सीटर ऑफ कोर्स। और रही बात साइड प्रोफाइल के ओवरऑल लुक्स की, तो रूफ रेल्स आपको काफ़ी स्पोर्टी लगेंगे, क्लैडिंग आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है, और ऑफकोर्स अलॉय व्हील्स तो इसके अच्छे लगते ही हैं। अलॉय व्हील्स की अगर बात की जाए, हालांकि डिज़ाइन काफ़ी पुराना है, लेकिन आपको फिर भी एक डिज़ाइन अच्छा ज़रूर लगता है। अभी तक लोग इससे बोर तो नहीं हुए, मैं थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ, अब इस व्हीकल को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, तो कृपया करके होंडा इसके अलॉय व्हील का डिज़ाइन जो है उसे चेंज कर देना, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल टायर सेक्शन आपको 215x55R17 ऑफर किया जाता है इस व्हीकल के साथ, और फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक भी ऑफर करी गई हैं। साइड प्रोफाइल में और देखेंगे तो ORVM के ऊपर ही आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, रिक्वेस्ट सेंसर विद क्रोम डोर हैंडल्स। रही बात इसके रियर टायर की, तब आपको ड्रम ब्रेक्स ही ऑफर की जाती है अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पर भी डिस्क ब्रेक होती तो ज़्यादा अच्छा लगता। ग्राउंड क्लीयरेंस आपको 195 mm की मिल जाती, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर व्हीकल के हिसाब से आपको एक अच्छी ग्राउंड क्लीयरेंस मिल जाती है। चलिए अब इसकी रियर प्रोफाइल, रियर चेकआउट करेंगे तो वही टिपिकल होंडा स्टाइल, पूरी WRV लग रही है पीछे से टेल लैम्प से, तो मतलब जो पहले वाली WRV थी, नई वाली WRV तो बेटर है। दिस इज़ द न्यू WRV जिसकी हमने वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, और आपको अब दिखा देते हैं वापस BRV, जो इसकी ओवरऑल टेल लैम्प्स हैं वो आपको पिछली WRV की याद दिलाएंगे, जो कि अभी करंट इंडियन मार्केट में अवेलेबल है। रही बात फीचर्स की, तो वाइपर, वॉशर, डिफॉगर आपको मिसिंग लगेगा, और हाई स्टॉप लैम्प जो है वो प्रोवाइडेड है यहाँ पर, कैमरा में शायद अच्छे से आपको ना दिख रहा हो। बाकी शार्क फिन डीना आपको मिल जाता है, और ऊपर रूफ रेल्स का डिज़ाइन तो अच्छा लगेगा ही। रही बात इसकी रियर प्रोफाइल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पर मिल जाता है, और नीचे भी स्किड प्लेट देखेंगे तो थोड़ी स्पोर्टीनेस प्रोवाइड की गई है। हालांकि मुझे अभी भी ये डिज़ाइन थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, ना आई फील कि BRV इंडिया में अगर आएगी तो ये वाला मॉडल मत ले आना यार, लेकिन इसके अलावा अभी कोई और आता नहीं है। तो मेरे हिसाब से चलो कंक्लूजन तो मैं एंड में दूंगा, अब चलते हैं इसकी स्पेस के बारे में बात करने, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपको टेल लैंप्स क्लोजली दिखा दूं कि आपको टेल लैंप्स तो LED मिलेंगे, लेकिन बाकी चीज़ें यानी कि रिवर्स लाइट और इंडिकेटर आपको बल्ब फॉर्मेट में ही ऑफर किया जाता है। अब इस व्हीकल के इंटीरियर फीचर्स,
स्टैंडर्ड आपको होंडा का स्टेयरिंग, यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है ऑफ कोर्स, लेकिन उसका बेनिफिट हमें ये होगा कि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक फैमिली प्रोडक्ट हो जाएगा ये। 7 इंच की स्क्रीन है, ऑटोमेटिक एसी है, सीवीटी ट्रांसमिशन है विद कप होल्डर्स एज वेल, 12 वोल्ट का सॉकेट, एंड स्टेयरिंग पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ बटन्स मिसिंग लगेंगे बिकॉज इसमें एक्चुअली ADAS नहीं आता जैसे कि आपको WRV और HRV में ऑफर किया जाता है। स्क्रीन का साइज़ भी वैसे मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, बट दो चीज़ें अच्छी लगी, वो एक तो ये AC के कंट्रोल्स का लेआउट जो काफ़ी स्लीक है, और उसके साथ साथ सेम मैचिंग ही आपको मिल जाता है इसका डैशबोर्ड का डिज़ाइन, जो कि दिखने में सॉफ्ट टच मटेरियल लगता है लेकिन सॉफ्ट टच है नहीं, सिर्फ सेंटर में लेदर है, यानी कि ये लेदर है, ये पियानो ब्लैक है, ये सारा प्लास्टिक आपको एरिया मिल जाता है। एनीवेज, काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होंडा स्टाइल है, मुझे लगता है स्टेयरिंग व्हील थोड़ा सा दिखने में ज़्यादा अच्छा होता, बटन ज़्यादा होते तो डेफिनेटली अच्छा लगता, बाकी लेदर रैपिंग तो आपको टॉप मॉडल में मिलती ही है। स्क्रीन आई विश 8 इंचेस की हो जाए। रही बात इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो ये रहा, आपको एक 4.2 इंच की MID ऑफर की जाती है, बाकी सब सिस्टम आपको एनालॉग ही ऑफर किया जाएगा। 4 स्पीकर्स 2 ट्विटर्स का इसका कंप्लीट सिस्टम आता है, जो कि एक अच्छी अमाउंट ऑफ म्यूजिक क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है, डिसेंट अमाउंट। ORVM आपको मैनुअली ऑफर किया गया है, किसी तरह की कोई सनरूफ प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको AC वेंट्स जो हैं वो मिल जाते हैं फॉर सेकेंड रो एंड थर्ड रो, 3-3, 1-2-3 विद एडजस्टमेंट ऑफ द ब्लोअर एज वेल। गियर लीवर का जो डिज़ाइन है और उसके नीचे पैनल है वो भी मुझे कैसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा है, थोड़ा सा सुजुकी के स्पोर्ट्स या स्विफ्ट स्पोर्ट्स की मुझे याद दिला रहा है। ड्राइवर साइड पे ऑफ कोर्स आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, स्टोरेज ऑप्शन भी हैं और साथ में सिल्वर फिनिशिंग ऑन द डोर पैनल एज वेल। इस तरफ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन वही रेड कलर का होंडा टिपिकल, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, CVT गियरबॉक्स है तो आपको डेड पेडल भी ऑफर किया जाता है, और उसके साथ साथ बाकी डैशबोर्ड आपको खाली ही नज़र आएगा, और सीट की एडजस्टमेंट भी आपको मैनुअली हाइट करनी पड़ेगी। बात वही आ जाती है कि दिस इज़ अ फैमिली फ्रेंडली, यानी कि बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, वैल्यू फॉर मनी 7 सीटर बाय द होंडा कंपनी। अब इंटरेस्टिंग चीज़ें इसकी ये द स्पेस अच्छी मिल जाती है आपको यहाँ पर, जिसमें लेगरूम बहुत अच्छा है। AC वेंट्स हालांकि आपको नीचे नहीं बल्कि जैसे कि मैंने बताया ऊपर ऑफर किए जाते हैं, यहाँ पर नीचे आपको सिर्फ 12 वोल्ट का सॉकेट प्रोवाइडेड है, और स्टोरेज के लिए सीट पे मैप पॉकेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आप पीछे के डोर्स देखेंगे तो वहाँ पर अच्छी चीज़ है कि आपको एटलीस्ट यहाँ पर ये लेदर फिनिशिंग मिल जाती है विद स्टोरेज एंड स्पीकर एज वेल, और वही ब्रश्ड आउट एल्यूमिनियम फिनिश के साथ आपको डोर हैंडल भी ऑफर किया गया है। ये वाली जो सीट्स हैं ये टम्बल डाउन फीचर के साथ आती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी आर्मरेस्ट दिखा देता हूँ। ध्यान रखें कि इसमें आपको कप होल्डर्स प्रोवाइडेड नहीं है इस आर्मरेस्ट में, एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है कप होल्डर्स होते तो अच्छा लगता, बट कंपनी ने कप होल्डर्स के लिए यहाँ पर आपको जगह दे दी है, बट अगेन आर्मरेस्ट एक्चुअली थोड़ी छोटी है, उस वजह से कप होल्डर्स कंपनी दे नहीं पाई, बट इट्स ओके, एटलीस्ट डोर साइड पर तो है ना। अब इसके टम्बल डाउन फीचर नॉर्मल, जिस तरीके से हम बाकी कार्स के साथ करते हैं वैसे ही वन टच टम्बल डाउन हो जाती है, और पीछे जाने की आपको स्पेस मिल जाती है जो कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस मिलती है, बट अगेन क्योंकि अंडर थाई सपोर्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लेग रूम है, तो आपको अडल्ट्स बैठ सकते हैं, लेकिन जिनकी हाइट 5'6" 5'7" के आसपास हो, आई थिंक 5'8" 5'9" वाला जो है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने वाला है, लेकिन फिर भी एक अच्छी 7 सीट ऑप्शन बन जाती है। किया कारंस में नो डाउट स्पेस ज़्यादा है, लेकिन किया कारंस थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी इससे। चलिए अब इस व्हीकल का आपको इतनी स्टोरेज होने के बावजूद जो बूट स्पेस मिल जाती है वो दिखाया था, बिकॉज यही इसका सबसे इंप्रेसिव पार्ट है कि आपको एक काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस मिल जाती है। अगर हम ऐसे लंबाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप 3 बड़े बैग्स बहुत आसानी से यहाँ पर रख पाओगे, और अगर आपको और बैग रखने हैं तो ऑफकोर्स आपके पास ऑप्शन है इन सीट्स को फोल्ड करके अपना सामान रखने की, विच इज़ अ गुड ऑप्शन। एटलीस्ट एक सीट फोल्ड कर ली तो आपके पास ये जगह और एक बड़ा बैग वैसे सीधा सीधा आ जाएगा, और एक जना बैठना चाहता तो एक साइड पर बैठ पाएगा, तो ओवरऑल आपको फिर भी एक अच्छी स्पेस मिल जाती है। तो ये तो थी हमारी तरफ से BRV, लेकिन आपका सवाल होगा कि भाई ये लॉन्च कब हो रही है, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जून में होंडा ने एक व्हीकल अपना अनवील करना है, अब वो WRV है, HRV है या BRV, ये तो अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं पता। कई लोग कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वो BRV होने वाला है, लेकिन मेरे हिसाब से वो HRV है, और HRV ही हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो सेगमेंट सबसे बढ़िया इस टाइम पे यू नो बूम कर रहा है, और इतना नहीं HRV कैपेबल बढ़िया व्हीकल है अभी, 177 HP की हॉर्स पावर, पावर टेलगेट आपको मिल जाता है, ADAS फीचर्स आपको मिल जाते हैं HRV में, तो वो एक बढ़िया प्रोडक्ट हो सकता है होंडा की तरफ से। क्योंकि अगर WRV की जगह
और HRV की जगह उन्होंने BRV को लॉन्च किया तो वो बल्कि पीछे चले जाएंगे। ये BRV तो कब की लॉन्च हो जानी चाहिए थी, और एक डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट है जो पॉपुलर नहीं रहा, जो फ्लॉप हो गया था इंडियन मार्केट में, उसे दोबारा रिवाइव करने की कोशिश ना ही की जाए तो बेटर है। HRV लोग डिमांड कर रहे हैं, वो आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उसमें आपको फीचर्स ज़्यादा मिल जाए तो वो अच्छा है, 360° कैमरा मिल जाए तो वो अच्छा है। HRV की डिटेल वीडियो हमने बनाई है, उसे चेकआउट करना ना भूलिएगा। BRV के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, जून में व्हीकल अनवील किया जाएगा। आई रियली होप HRV हो, BRV ना हो, और BRV वैसे एक कम्पीट करती है विद दी अर्टिगा। किया कारंस के साथ उसे इतना अच्छा नहीं मानूंगा, बिकॉज किया कारंस जो है वो ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है, बेटर इंजन और बेटर लुक्स भी। तो प्राइस वाइज भी देखा जाए तो BRV अर्टिगा के साथ ज़्यादा अच्छी तरीके से कम्पीट कर पाएगी, लेकिन अगेन मैं नहीं चाहता कि ये इंडिया में आए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो दिस वॉज एवरीथिंग रिगार्डिंग दी होंडा BRV। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ही लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंडोनेशिया इंटरनेशनल मोटर शो की हमारी सारी वीडियोज़ को चेकआउट जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।